हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर सुधीर मितान एंड स्वागत है आपका हमारी एक इंटरेस्टिंग सीरीज में जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग रशिया विद डॉक्टर स्क्वेरी। जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम इस सीरीज़ में रशिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और सिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिटी को और साथ में यूनिवर्सिटीज़ को, ताकि वहाँ आपके पास एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिले और विद एंटरटेनमेंट। सो हमारी इस सीरीज़ में जो हमारी फर्स्ट यूनिवर्सिटी है वो है वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, और अभी हम खड़े हैं वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के सामने। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, ताकि आपका जो है टाइम है वो वेस्ट ना हो और आप स्किप करके देख सको जो भी आपको पर्टिकुलर पार्ट देखना है। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कंप्लीट वीडियो देखें, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो इन दिस वीडियो यू विल गेट टू नो अबाउट द वोल्गोग्राद सिटी एंड इट्स ईजी एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट रूट। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट यूनिवर्सिटी, एजुकेशन क्वालिटी कैसी है, रिकॉग्निशन कौन कौन सी मेडिकल काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड है, यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यूनिवर्सिटी के जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स हैं वो कितने हैं, कैसे हैं, एंड लास्ट हॉस्टल्स वहाँ पे कैसे हैं, क्योंकि हॉस्टल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स के नज़रिए से अगर हम देखें तो। उसके बाद हम बाद में बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट्स कितने हैं वहाँ पे, और FMG पासिंग रेशियो क्या है, यानी कि एजुकेशन क्वालिटी, उससे हम जज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो वोल्गोग्राद सिटी में ही एयरपोर्ट अवेलेबल है, आप डायरेक्ट इंडिया से फ्लाइट करके यहाँ पे आ सकते हैं वाया मॉस्को। अगर हम मॉस्को से दूरी की बात करें तो लगभग 1000 किलोमीटर है मॉस्को से, 1000 किलोमीटर वोल्गोग्राद सिटी पड़ जाती है। अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप बाय फ्लाइट यहाँ पे आ सकते हैं, बाय ट्रेन यहाँ पे आ सकते हैं, बाय बस यहाँ पे आप आ सकते हैं, बट जो सबसे इजी एक्सेसिबल रूट रहेगा वो रहेगा बाय फ्लाइट आप यहाँ पे आएं। और अगर हम इंडिया से बात करें, लाइक दिल्ली से आप यहाँ पे डायरेक्ट पहले मॉस्को आएंगे, मॉस्को से फिर आप वोल्गोग्राद सिटी में आएंगे, डायरेक्ट आप कनेक्टिंग फ्लाइट यहाँ पे ले सकते हैं। जो ट्रैवलिंग का जो टाइम रहेगा वो अराउंड 12 से 15 घंटे का इसमें टाइम रहेगा। तो ये आपने थोड़ा सा ओवरव्यू जाना सिटी के बारे में। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द यूनिवर्सिटी। द यूनिवर्सिटी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1935 में हुआ था, और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का वहाँ पे जो एडमिशन्स या बैच कह सकते हैं आप उसको, वो स्टार्ट हुआ था 1962 में। उसके बाद अगर हम बात करें रिकॉग्निशन की, कहाँ कहाँ से एफिलिएशन है यूनिवर्सिटी के पास, तो सबसे पहले जो इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं तो MCI और NMC से रिकॉग्नाइज्ड है। आप वहाँ पे अगर पढ़ने जाते हैं, वहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद यहाँ पे इंडिया में आते हैं तो आपकी डिग्री वैलिड रहेगी, आपको जस्ट नेक्स्ट का एग्ज़ाम आपको देना होगा। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अगर आप चाहते हैं कि USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनमें अगर आप सेटल होना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी का जो रिकॉग्निशन है वो ECFMG से रिकॉग्नाइज्ड है, और वहाँ पे जो GMC वगैरह से भी रिकॉग्नाइज्ड है, ताकि अगर आप कोई स्टूडेंट्स UK वगैरह जाना चाहता है तो वो भी जा सकता है। तो रिकॉग्निशन के मामले में कोई ऐसा इशू नहीं है, हर एक गवर्नमेंट बॉडी से, मेडिकल बॉडी से यूनिवर्सिटी कंप्लीटली रिकॉग्नाइज्ड है। अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिटी की, द यूनिवर्सिटी हैज़ अ गुड रेपुटेशन एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी हु प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल्स के, अगर हम हॉस्पिटल के बारे में बात करें तो यूनिवर्सिटी के साथ बहुत सारे हॉस्पिटल एसोसिएटेड हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वहाँ पे हैं। 5 लार्ज मल्टी प्रोफाइल हॉस्पिटल्स हैं जिनको हम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बोलते हैं। कैंसर एंड हार्ट सेंटर्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, फर्स्ट एड हॉस्पिटल्स आपको देखने को मिलेंगे, 3 इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, 3 डेंटल हॉस्पिटल्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, 5 गायनेकोलॉजिकल हॉस्पिटल्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, 4 फिजियोथेरेपी सेंटर्स और ट्यूबरक्लोसिस सेंटर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, 3 ऑर्थोपेडिक सेंटर्स भी यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि रशिया के अंदर जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो मोस्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, और सारे के सारे वो हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं। तो अगर आप वोल्गोग्राद सिटी के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सिटी के अंडर में आएंगे, और जैसे जैसे डिपार्टमेंट होते हैं डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे हॉस्पिटल सेपरेट हॉस्पिटल्स होते हैं हर एक डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो जो आपकी क्लिनिकल रोटेशनशिप वगैरह होगी वो सारी उन हॉस्पिटल्स में होगी। फॉर एग्जाम्पल
आपका ट्यूबरक्लोसिस का साइकिल अगर आपका चल रहा है तो आप ट्यूबरक्लोसिस हॉस्पिटल में जाओगे, अगर आपका कैंसर का चल रहा है तो आप कैंसर वाले में जाओगे, अगर आपका ऑर्थोपेडिक्स का चल रहा है तो आप ऑर्थोपेडिक्स के हॉस्पिटल में जाओगे, अगर आपका गायनेकोलॉजिकल जो साइकिल है वो चल रहा है तो आप गायनेकोलॉजी हॉस्पिटल में आप वहाँ पे जाके अपनी क्लिनिकल रोटेशनशिप कंप्लीट करोगे। तो ओवरऑल वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपको हॉस्पिटल्स, क्लिनिकल एक्सपोजर इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आपको एक बहुत ही बेहतरीन क्लिनिकल एक्सपोजर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। सिटी भी काफ़ी बड़ी है तो वहाँ पे पेशेंट्स का जो आउटफ्लो है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में हमें एक बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुल कैंपस यहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत अच्छा जो यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ जनरल मेडिसिन है, पीडियाट्रिक्स है, डेंटिस्ट्री है, प्रिवेंटिव मेडिसिन है, फार्मेसी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, साइकेट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल मेडिसिन है एंड पब्लिक हेल्थ है, और फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन भी यहाँ पे करवाया जाता है और उसके भी सेपरेट डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर हम यहाँ पे डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करें तो दीज डिपार्टमेंट्स ऑफर अ वैरायटी ऑफ कोर्सेज एंड स्पेशलाइजेशन इंक्लूडिंग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, साइकेट्री, डेंटिस्ट्री एंड पब्लिक हेल्थ। तो जो टोटल 19 सब्जेक्ट्स वहाँ पे एनएमसी ने मेंशन किया था वो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, उसका कोई ऐसा इशू नहीं है। ईच डिपार्टमेंट हैज़ ए टीम ऑफ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर्स हु आर एक्सपर्ट इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स एंड प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तो पर्टिकुलरली वहाँ पे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, मोर देन 900 इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे करंटली पढ़ रहे हैं एंड इसके अलावा मोर देन 70 अदर कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स वहाँ पे डिग्री परस्यू कर रहे हैं इंडियन स्टूडेंट्स के साथ साथ। इसके बाद अगर हम बात करें FMG पासिंग रेशियो की, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, तो जो ओवरऑल अगर हम पिछले 4-5 साल का डाटा उठा के देखें तो अराउंड 20-25% यहाँ पे FMG पासिंग रेशियो रहता है वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का एवरी ईयर। इस यूनिवर्सिटी की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी है वो इस यूनिवर्सिटी का कैंपस, बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है यूनिवर्सिटी का, और जो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे हमारी बात हुई है स्टूडेंट्स से, उनका रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, कभी किसी स्टूडेंट्स को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलती है। यूनिवर्सिटी काफ़ी सपोर्टिव है और हर एक चीज़ में, एजुकेशन वगैरह में, सब हर चीज़ में, यानी कि डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो चलो बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो जो यूनिवर्सिटी का सबसे पहला एडवांटेज है वो है एजुकेशन क्वालिटी। यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन एजुकेशन क्वालिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यूनिवर्सिटी कम्प्लीटली डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी है, किसी भी तरीके से कोई लापरवाही यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगी और वेल मेंटेन यूनिवर्सिटी है। अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा ही होगा, वो भी काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्लिनिकल एक्सपोजर यहाँ पे आपको अच्छा देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स के जो हमने रिव्यूज़ लिए, स्टूडेंट से बात की, उनका रिव्यू भी काफ़ी अच्छा है, उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है और सपोर्टिव है हर एक फील्ड में। और इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी है और NMC की सारी गाइडलाइंस को फुलफ़िल करती है, जो भी NMC की गाइडलाइंस थी वो सारी कम्प्लीटली फुलफ़िल करती है। इसके बाद अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो इस यूनिवर्सिटी का इकलौता डिसएडवांटेज जो सबसे मेन फैक्टर है वो है फीस। यूनिवर्सिटी का जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा चला जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का इतना बजट नहीं होता, 40 से 45 लाख रुपए का अगर आपका बजट है तो यू कैन चूज दिस यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आपको वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको यहां पे अप्लाई करना है तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहां पे डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, नीट रिजल्ट एंड पासपोर्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने होंगे और इनकी ट्रांसलेशन कॉपी यूनिवर्सिटी में सबमिट करनी होती है। तो जैसे ही ये डॉक्यूमेंट्स आप हमें भेजते हैं, हम इनकी ट्रांसलेशन करवाएंगे और यूनिवर्सिटी को आगे फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर इशू होगा। एडमिशन लेटर इशू होने के बाद आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, और एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद आपका वहां से इनविटेशन लेटर इशू होगा। उसके बाद आपका वीजा अप्लाई किया जाएगा और आप यहां से डिपार्ट करोगे रशिया के लिए। अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप नंबर विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर, बजट। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही पॉइंट होता है कि हमारा वहां पे बजट कितना रहने वाला है।
तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो ट्यूशन फीस है वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की, वो है 4,60,000 रुपल पर ईयर आपको वहाँ पे फीस पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो वहाँ पे आपका एक्सपेंस आने वाला है वो हॉस्टल फीस का आने वाला है, जिसकी जो फीस है वो 15,000 से 40,000 रुबल्स पर ईयर आपकी फीस रहने वाली है। वो डिपेंड करता है कि अलग अलग हॉस्टल पे, जो भी हॉस्टल आप वहाँ पे आपको मिलेगा उसी हिसाब से आपको फीस पे करनी पड़ेगी। तो ये आपने ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस के बारे में जाना। इसके बाद अगर आपका जो एक्सपेंस रह जाता है वो मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप का एक्सपेंस रह जाता है, जो 8,000 से 10,000 रुबल के बीच में एवरी ईयर आपको पे करना पड़ेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल ओवरऑल बजट आपका कितना रहेगा, इंक्लूडिंग योर फूड, पर्सनल एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो आप मान के चलिए कम से कम आपका यहाँ पे बजट 40 से 45 लाख रुपए के बीच में आपका यहाँ पे टोटल बजट रहने वाला है। तो जिस बच्चे का बजट 40 से 45 लाख में हो तो वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। अगर किसी का बजट इससे कम है तो प्लीज़ वहाँ पे मत जाइएगा, वरना आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेंगी। तो गाइस ये है कंक्लूजन टाइम कि आपको ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी चाहिए या नहीं, मेरा क्या पर्सनल ओपिनियन है इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यस, यू कैन चूज़ दिस यूनिवर्सिटी। अगर आपका बजट अराउंड 35-40 लाख के बीच में है तो आप इस यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हम रेटिंग इस यूनिवर्सिटी को, मैं जो रेटिंग देना चाहूँगा वो 8 out of 10 यहाँ पे यूनिवर्सिटी की जो ये है रेटिंग। और आप इस यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि आपको इस वीडियो में क्या मिसिंग लगा, बिकॉज सबका अपना अपना एक अलग नज़रिया होता है। मैं अभी इस टाइम पे अपने नज़रिए के हिसाब से आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ। हो सकता है आपका कुछ और नज़रिया हो, तो आप भी हमें बता सकते हैं आपका क्या नज़रिया है। और हमें इस वीडियो में या जो भी हम सीरीज़ बना रहे हैं उसमें यूनिवर्सिटीज़ की जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें हमें आपको और क्या चीज़ें ऐड इसमें करनी चाहिए, कुछ भी अगर मिसिंग है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी यूनिवर्सिटी के ऊपर आप चाह रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, कौन सी सिटी को आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं डॉक्टर क्यूरी के साथ, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम उस यूनिवर्सिटी में, उस सिटी में जाके वहाँ की जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करवा सकें। एंड गाइज वन मोर थिंग, मैं आपको बता दूं कि हमने एक WhatsApp कम्युनिटी बनाई हुई है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें ऑलरेडी ज्वाइंड हैं, तो आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी हम रेगुलर अपडेट्स देते हैं ताकि डे टू डे अपडेट्स उसमें होती है। अगर कुछ भी यहाँ पे चेंजेस आता है, यूनिवर्सिटीज़ के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते हैं या मिनिस्ट्री के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन चेंजेस आते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन डे टू डे उन टेलीग्राम चैनल पे और WhatsApp जो कम्युनिटी ग्रुप है उसमें हम अपडेट करते रहते हैं। तो उस दोनों WhatsApp ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो गाइस इस वीडियो में इतना ही, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे। वी नो द जर्नी ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर कैन बी डिफिकल्ट एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर टू हेल्प यू। We are the team of doctors guiding the future doctors through our videos. Doctors Query is the official study partner which aims to give services to students at their best. The services we offer are irreplaceable at one of a kind. From consultation to reaching the universities, we as a team make our students comfortable at every step. We put in efforts and help students to achieve their dream of studying in foreign universities. It's our responsibility to take good care of them like a family and cover them up in all aspects like studies, accommodation, food and support on the campus. And our testimonials say it all that we do an excellent job. Just contact us and leave the rest on us. We will never let you down. Doctors Query will always be there for you. Don't forget to subscribe our channel. And welcome to Dr. Square.